हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल में एनएचएम के तहत होने वाली सीएचओ भर्ती की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे इसके रिगार्डिंग सवाल आते रहते हैं कि क्या हम फ्यूचर में और वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी निकली थी सीएचओ की लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले और लगभग वो भर्ती अब पूरी हो चुकी है। तो अगर हम कैडरे की बात करें सीएचओ के, तो 1573 का ये कैडरे है, जिसमें कि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो लास्ट जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई 642 पोस्टें उसमें फिल हो चुकी हैं, और उसके अलावा मान के चलो कि जो भी वैकेंट है तो वैकेंट होगी 634। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी सीएचओ, आपको पता होगा कि एचएलएल ने जो था वो एक आउटसोर्स बेसिस पे सीएचओ रखे थे, 639 ये सीएचओ हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जब भर्ती निकली थी एनएचएम के तहत सीएचओ की हिमाचल में, तो ये जो आउटसोर्स पे सीएचओ लगे हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह करी, काफ़ी इनकी मांग थी, लेकिन एट द एंड इनको यही मिला कि आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आना चाहते हो एनएचएम के तहत। तो अगर हम कैडरे की बात करें तो इस टाइम पे क्या है कि सरकार को ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 642 लग चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और आउटसोर्स बेसिस पे हैं, तो लगभग कैडरे जो है वो फुल है। थोड़ी बहुत वैकेंसी है, 200-300 वैकेंसी आप मान के चल सकते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें लंबा समय लगेगा। अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो एनएचएम की भर्तियां जो मैक्सिमम हमें देखने को मिलती हैं वो इलेक्शन ईयर में आपको देखने को मिलती हैं, और उसी में ज़्यादातर एनएचएम की वैकेंसी जो रहती है हिमाचल में हमें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर आप अभी वेट कर रहे हो कि आपको सीएचओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी आप वेट मत करना। और स्टाफ नर्स भर्ती का जो मैंने बैच वाइज आपको बताया था, तो बैच वाइज भर्ती आ चुकी है और उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है। उसके अलावा टेस्ट के माध्यम से भी आपको स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जब वर्किंग स्टार्ट होगी उसके बाद आपको सेट देना होगा, उसके बाद ही अब हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियाँ हुआ करेंगी। तो ये सारा प्रोसीजर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।